हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि ठंडी हवा, कोकोनट ट्रीज एंड सुंदर समुद्र किनारों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, सही समझा आपने, दापोली। दापोली में हम अंजरले एंड करदे, ये दो जगह घूमने वाले हैं। अंजरली में कड़ियावरसा गणपति और समुद्र किनारा फेमस है, जहाँ हम आज जा रहे हैं। अंजरले में हम एक दिन रुकने वाले हैं और करदे में हम दो दिन। अंजरले पुणे से 200 किलोमीटर दूर है। पुणे से अंजरले आप तामिनी घाट के रास्ते भी जा सकते हैं और महाबलेश्वर होकर भी। दोनों ही साइड से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है और दोनों ही साइड से रोड भी बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग आज वाया तामिनी घाट जा रहे हैं। पुणे से तामिनी घाट के रास्ते से आपको दापोली पहुँचने में ऑलमोस्ट 5 hours 45 minutes लग जाएंगे। रास्ते में रुककर तामिनी घाट की ब्यूटीफुल सीनरीज को जरूर इंजॉय करें। अभी अराउंड 12:30 हो रहे हैं और हम अंजरले पहुंचने ही वाले हैं। बाहर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ का मौसम, रास्ता सब कितना सुहाना लग रहा है। इसी बात पे मन गाने का कर रहा है, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। जैसे ही आप गांव में एंट्री करते हैं तो यहाँ आपको पुराने जमाने के सुंदर कौलारू घर देखने को मिलते हैं, जिनकी छत सीमेंट की नहीं बनी होती। अंजरले में आपको रास्ते से ही समुद्र किनारा नजर आता है, जो कि रास्ते के बहुत करीब होने की वजह से अमेजिंग लगता है। करीब 1 बजे हम लोग रिजॉर्ट पहुंचे। ये रास्ता है अंजरले बीच जाने का। रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रीनरी है, ट्रीज है और यहाँ पे इन्होंने 1-2 कॉटेजेस भी बना के रखे हुए हैं। ये जो एरिया है ये पार्किंग एरिया है और जो अपोजिट साइड दिख रहा है वो रिजॉर्ट है। अंजरले में हमने विस्लिंग वेव्स रिजॉर्ट बुक किया था, जिसके चार्जेस 1 night स्टे के लिए 1500 rupees हैं। क्योंकि हमने थर्स्ट को स्टे किया था तो इसी वजह से थोड़े से कम हो सकते हैं, बट वीकेंड को थोड़े ज़्यादा रहते हैं। रिजॉर्ट के रूम्स बहुत ही क्लीन हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, टीवी है और बीच रिजॉर्ट है। बीच बहुत ही पास में है, एक वॉकिंग डिस्टेंस पे है। विंडो से आप मॉर्निंग का सनराइज भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और आपसे पूछा भी जाता है कि आपको खाने में क्या पसंद है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम कड़ियावरसा गणपति दर्शन के लिए आ गए हैं। कड़ियावरसा गणपति ये अंजरले का प्राचीन और जागृत देव स्थान माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र के किनारे अजरालेश्वर एंड सिद्धि विनायक ये दो टेंपल थे,
लेकिन समुद्र ने अपना किनारा बढ़ाने की वजह से ये मंदिर पानी में जाने लगे, तो गणपति बाप्पा ने अपनी जगह बदलने की सोची और यहाँ टेकड़ी पे आ गए। आते समय उनके पदचिन्ह टेकड़ी पे पड़ गए और उन्हीं को आज भी पूजा जाता है। शाम को हम लोग बीच पे घूमने के लिए आ गए। यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारा प्राइवेट बीच हो। कौन कहता है कि चांद और सूरज को एक साथ नहीं देखा जा सकता। बीच बहुत ही सुंदर और क्लीन है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके हम लोग करदे के लिए निकल पड़े। करदे में हमने तीर्थराज बीच रिसोर्ट बुक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सी के कितने करीब है। रिसोर्ट में कॉटेजेस भी अवेलेबल है एंड रूम्स भी अवेलेबल हैं। आप आपके हिसाब से ले सकते हो। रूम का कॉस्ट थोड़ा सा कम पड़ता है। हम यहाँ पे 2 दिन रुकने वाले हैं। हमें कॉटेजेस ही चाहिए थे, बट अवेलेबल ना होने की वजह से हमें पहले दिन रूम मिला और दूसरे दिन हम कॉटेज में शिफ्ट हो गए। बट कॉटेज भी उन्होंने हमें डिस्काउंट पे रूम के ही कॉस्ट पे दे दिया, 2500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। चलिए यहाँ के रूम्स कैसे है देख लेते हैं। रूम बहुत ही क्लीन और सैनिटाइज्ड हैं। टॉयलेट भी क्लीन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर टीवी को आपका केबल कनेक्ट नहीं है तो आप मैनेजमेंट में कॉल करके वो आपको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे सारे रूम्स की बालकनी सी फेसिंग है। सो राहुल विल गिव यू रिव्यू। हाउ इज इट? बहुत सोचना पड़ रहा है इसका मतलब कुछ तो भी कमी है। चलिए अब हम चलते हैं केशवराज टेंपल। मेन रोड से केशवराज टेंपल के लिए कहाँ टर्न लेना है थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप मेन रोड से लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, वहाँ से टर्न लीजिए और थोड़ा आगे चलने पर आपको केशवराज टेंपल का नेम प्लेट नज़र आएगा। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल टास्क है। राहुल इज सो एनर्जेटिक, मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। केशवराज टेंपल का रास्ता बहुत सुंदर है, ऊपर नीचे बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जो ट्रीज़ है सुपारी के लंबे लंबे एक जैसे खड़े खूब सारे ट्रीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये है केशवराज मंदिर, चारों तरफ से सुपारियों के पेड़ और ग्रीनरी से घिरा हुआ। इसका परिसर बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर की मान्यता है कि यह 5000 साल पुराना पांडवकालीन मंदिर है। इसकी स्थापना भी पांडवों ने की थी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं डॉल्फिन राइड के लिए। डॉल्फिन राइड 200 रुपीज़ पर हेड है और अगर आपको डॉल्फिन राइड लेना है तो आपको सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच ही आना होगा। ये रही डॉल्फिन।
अभी हम लोग कॉटेज में शिफ्ट हो गए। कॉटेज के विंडो से आप बीच का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। शिफ्टिंग के बाद हम लोग दत्त मंदिर दर्शन के लिए आए। दत्त मंदिर करदे से 2.5 किलोमीटर दूर है। दत्त मंदिर के दर्शन होने के बाद हम लोग भगवान परशुराम के स्टैचू को देखने के लिए गए थे। यहाँ पे इस ग्लोब के अंदर म्यूजियम बना हुआ है, जहाँ पे आप कुछ भी बोलते हो तो आपकी आवाज़ गूंजती है। हमने सोचा जाते जाते दापोली की कुछ और मेमोरीज कैप्चर करके ले जाएं। कोविड के इस टेंशन भरे वातावरण में आज हम सारी चिंताएं भूलकर एक नई स्फूर्ति और कल की उम्मीद साथ लेकर जा रहे हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे ऐसे ही इंजॉय करते रहिए और घूमते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।